हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब लोग अल्लाह के शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक है वन फिट आप सब की दुआओं से मुझे उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे तो जी आजकल बिल्कुल भी कुछ नहीं करने का दिल कर रहा जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था और गर्मी इतनी इतनी इतनी, इतनी ज्यादा है कि दिल ही नहीं करता बाहर निकलने को या फिर कोई भी काम हो करने का दिल नहीं करता स्पेशली स्पेशली जब आप किचन में जाते हैं और जाकर जब आप चूल्हे की तरफ देखते हैं और कहते हैं जी अभी मैंने इसको ऑन करना है और अभी मैंने कुकिंग स्टार्ट करनी है तो जी ये सोचते ही आपको पसीना आने लगता है और करता है कि वही चीज़ हम जल्दी से कुक करें जो जल्दी जल्दी बन जाए तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसी ही चीज़ बना रही हूँ मेरे पास पड़ा हुआ था जी मटन का कीमा और मैंने सोचा इसमें मैं ज़रा थोड़े आलू वगैरह डालकर थोड़ी कटलेट बना लूँ और फिर बाद में क्या करेंगे जो इसका बैटर होगा नेक्स्ट डे हम पराठों में यूज़ कर लेंगे तो ज़रा टू इन वन भी काम हो जाएगा और जी अभी मज़ेदार किस्म के कटलेट्स बनाते हैं तो इस वजह से जी मैं स्टार्ट हो गई बनाना यहाँ पर मेरे पास जो थोड़ा सा कीमा था मैंने वो लिया और इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च डाली और साबुत मिर्च भी मैंने डाली थी और जिसके बाद मैंने जो प्याज थे वो मैंने चॉप करके डाले थे नमक हल्दी और इसके अलावा शामी कबाब का मैंने मसाला डाला था थोड़ा सा मैंने का चटपटा हो और मज़ा आता है गर्मियों में ज़रा चटपटी हांडियाँ बनी हो ना तो ही मज़ा आता है और यहाँ पर जी जो मेरे आलू हैं वो बॉयल हो चुके थे इनको मैं कर रही थी मैश और जी इन दोनों को मैं कर लूँगी मिक्स और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी खटाई पाउडर और एक पूरा लेमन जूस और जी यहाँ पर जो हमारा ये मज़ेदार सा बैटर हो जाता है तैयार और इसके बाद इसको हम करेंगे फ्राई और आप जी इसको जो तंदूर की रोटियाँ हैं या सूखी रोटी हैं मुझे तो ज़्यादा वैसे विदाउट ऑयल लगाए जो रोटी है मुझे उसके साथ जो कटलेट्स और इस तरह के जो सब्जियों वाले सालन है वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो साथ में आप बना ले ग्रीन चटनी तो जी उसके साथ आप सर्व करके खा सकते हैं या फिर आप जी चावलों के साथ खा सकते हैं अम्मी ने बनाई हुई थी कड़ी तो मैंने सोचा साथ में मैं ये थोड़ा सा कटलेट्स बना लेती हूँ तो जी बड़ा ही मजा आया एंड पे मैंने इसमें शामिल कर लिया था जी धनिया तो जी इस तरह के खाने मज़ेदार से चटपटे से बना कर खाएं और घर वालों को भी खिलाएं और अगर आपके बच्चे स्पाइस ज़्यादा नहीं खाते तो स्पाइस का थोड़ा सा ख्याल रखें वैसे तो ये हम बड़ों के ही खाने वाला था क्योंकि स्पाइस इसमें थोड़ा ज़्यादा था तो अम्मी ने जो कड़ी और चावल बनाए थे मैंने हानिया को वही खिला दिए थे तो इस वजह से मुझे ये टेंशन नहीं थी कि इसमें जी मुझे स्पाइस का ख्याल रखना है तो जी बैटर हमारा यहाँ पर हो चुका है रेडी और इस पॉइंट पे आके आप जी थोड़ा सा इसको तल के एक टिक्की को आप जी बना के तल के देख सकते हैं कि इसमें स्पाइसेस वग़ैरह सारी इक्वल हैं नमक वगैरह मिर्च वगैरह सारी ठीक ठाक है और मुझे स्पाइस थोड़ा कम लग रहा था तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा और शामी कबाब मसाला जो है वो ऐड किया था और साथ ही साथ जी मैं इंजॉय कर रही थी समोसा और कुकिंग के दौरान खाने का एक अपना ही मज़ा है और जो मैं हमेशा ही करती हूँ तो इस तरह आपकी कुकिंग भी जल्दी हो जाती है और आपको जी अच्छा भी लगता है तो जी कुकिंग के दौरान हल्का फुल्का सा खाना चाहिए ज़रूर खाना चाहिए यहाँ पर जी हमारे जो कटलेट है हो चुके हैं रेडी साथ में अम्मी ने जी ड्रमस्टिक भी फ्राई कर लिए थे और ये रहे जी कड़ी चावल जो कि मैंने बिल्कुल थोड़े से लिए थे और ये हो गया है जी हमारा जो डिनर है वो रेडी हो चुका है इसके बाद जी हम निकलेंगे थोड़ा सा बाहर Daddy coming. Daddy. <laughs> daddy. Oh, daddy, do do say hi hi car? let Daddy, Daddy. Daddy, Hanya, we need things ice cream, chips, juice. Ice cream. Anybody want ice cream or juice? Ice cream, juice. Hmm. What do you want? Ice cream or juice? ice cream, juice. No, don't only egg. One. one only. Ice cream? Okay, I Okay. तो जी अब हम आ जाते हैं अपने टाइटल की तरफ और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज कोमल इस बारे में क्या डिस्कशन करने जा रही है तो जी अभी हम निकले थे दोपहर के टाइम बाहर उमर को काम था और उमर अकेले नहीं जाते अक्सर हमें साथ ले जाते हैं और कहते हैं जी टाइम थोड़ा जल्दी पास हो जाता है तो बीच में आके हानिया ने जिद कर दी थी आइसक्रीम की तो हमने सोचा यहाँ पर जी रुक कर जरा हानिया को आइसक्रीम दिलाई जाए साथ में हम लोगों ने भी इंजॉय की तो जी आ जाते हैं टॉपिक की तरफ तो जी मैं गई थी पार्क में और हानिया को अक्सर हम लेकर जाते हैं रात के टाइम जरूर जैसे कि मैं आपको अपने हर ब्लॉग में बताती भी हूँ और दिखाती भी हूँ तो जी हम एक पार्क में गए थे वहां पर हमें एक मिल गई आंटी जो कि वो भी लाहौर से थी और बेचारी अपने इतने दुखड़े सुना रही थी कर रही थी अपने बेटियों के और जी बता रही थी कि आजकल के जो दामाद हैं वो अच्छे नहीं निकलते और मेरी एक बेटी को जस्ट रिसेंटली डाइवोर्स हो चुकी है इसकी इसी ही वजह से और बहुत कोशिश की है कि उन दोनों का पैचअप रहे पाकिस्तान से स्पेशली लड़का बुला कर यहाँ सेट किया तो जी उसने कहा मैंने नहीं यहाँ रहना दिस एंड दैट ब्ला 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 और जी बदतमीजी करता था मारता था पीटता था तो बेचारी के दिल में बहुत 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 सी बातें थी तो उन्होंने मुझसे डिस्कस की शेयर की तो जी इस बात पे मैंने आंटी से कहा कि आंटी आपने केस क्यों नहीं किया यहाँ पर आप बाहर रहती हैं और यहाँ पर आपको पता है कि हर चीज़ बड़े अच्छे तरीके से गवर्नमेंट जो है वो टैकल करती है और हकूक़ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पूरे करती है ख़ासकर औरत के हवाले से तो उन्होंने कहा हमें उसे रखना ही नहीं था मुझे उसको दफा ही करना था मुझे ऐसा दमा चाहिए नहीं था इसलिए मैंने जी जस्ट रिसेंटली डिवोर्स हुई है मेरी बेटी की और वो चला भी गया पाकिस्तान मैंने कहा चले आंटी जैसे आपको ठीक लगे इसलिए कहते हैं जब आपको अल्लाह बेटी दे तो उसके साथ साथ अच्छे उसके नसीब भी हो अच्छे नसीब भी दे और बस इसी सिलसिले में बेचारी आंटी लगी थी बातें करने और उनको बड़ा अच्छा लगा मुझसे बात करके कहती बड़ा मुझे ईज़ी फ़ील हुआ और बहुत अच्छा लगा और जी उन्होंने कहा कि मैंने आपके हस्बैंड से नंबर भी लिया और इधर मैं पास में ही रहती हूँ तो इन लगाना मेरे घर चक्कर मैं फ़ोन करूँगी तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके तो ये छोटी छुड़ छोटी सी बातें होती हैं उनको करके तसल्ली हुई अच्छा लगा और मुझे भी अच्छा लगा तो जी बस मैंने आंटी को ये तसली देते हुए कहा कि बस दुआ मेरी यही है कि जो भी हो आपकी बेटी के लिए आप सब के लिए अच्छा हो आगे और ये तो हर एक के घर की ही कहानी है कभी बहू ऐसे निकल आती है तो कभी जी दमाद ऐसे निकल आता है तो हम जी गारंटी दोनों तरफ से किसी की भी नहीं दे सकते तो ज़्यादा वैसे जो केसेज है वो लड़कियों के ही मैं सुन रही हूँ आजकल और अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करें और नसीहत दें उन इन लॉज को जो इस तरह की हरकतें करते हैं तो जिसकी वजह से माँ बाप बेचारे इतने परेशान होते हैं कहती मेरा हस्बैंड भी नहीं है पंद्रह साल हो गया मेरे हस्बैंड को फोत हुए और जी मेरी बेटियां एक ही बेटा है तो इस वजह से थोड़ी सी टेंशन होती है तो मैंने कहा आंटी क्यों नहीं होती अपने जो जिगर के टुकड़े के साथ ऐसी हरकत तो ऐसी, आ, हो ऐसी हो जाए कोई भी सिचुएशन आ, आ जाए घर में तो क्यों नहीं होती आंटी टेंशन जरूर होती है मैं समझ सकती हूँ तो जी उनको बहुत अच्छा लगा था हम दोनों से उमर से मुझसे बात करके और जी बस एंड पे यही बात हुई कि जरूर आइएगा जरूर आइएगा तो जी यही बात होती है बस दिल चाहत होनी चाहिए आपको पता भी नहीं होता सामने वाला बंदा आपका क्या लगता है क्या नहीं लगता लेकिन बस बात करके इंसान को तसली हो जाती है तो इसी में जी बंदा इतने में खुश हो जाता है तो ये बातें और ये जी चीजें हैं जो आजकल हो रही हैं लेकिन इनका कोई भी जैसे कहते हैं ना सोल्यूशन नहीं है अगर आपको ऐसे कुड़मने मिल जाए और लड़की और लड़के को ऐसे इन लॉज मिल जाए तो बस सब्र शुक्र से ही वो रिश्ते जो है ना वो निभाने पड़ते हैं और इनका कोई जैसे कहते हैं ना आप फॉर्मूला नहीं है कि इनको थोड़ा सा बंदा ठीक कर सके बस यही है कि सब शुक्र के साथ जी आपने जिंदगी गुजारनी है और अल्लाह बस हिदायत दे हो सकता है आगे जाके हिदायत आ भी जाए तो बस जी यही बातें होती है और माँ बाप को यही होता है कि जी बेटी अपने घर में खुश रहे सबसे ज़्यादा यही बात होती है और अल्लाह ताला हर एक कि बेटी को अपने घर में खुश रखे आबाद रखे अपने बच्चों पे सलामत रखे आमीन आमीन और जी यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा घूम फिर कर जाएंगे वापस घर और जी इसी के साथ करती है अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड तो जी इनशाला मिलूंगी अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखें हम सबको अपनी दुआ में याद रखें अल्लाह हाफिज़